बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक जारी है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मीटिंग में शामिल है। हरियाणा चुनाव के पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत, अजय माकन भी मौजूद बताए जा रहे हैं इस मीटिंग में। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह समीक्षा बैठक हो रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह समीक्षा बैठक हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में यह मंथन देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मीटिंग में शामिल बताए जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत, अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह समीक्षा बैठक हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट गई। अब हार पर मंथन देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, अपडेट आपसे चाहेंगे। बैठक शुरू हो गई है फिलहाल, कौन कौन मौजूद है मुख्य रूप से और कितना वक्त बीत गया है बैठक शुरू हुए? बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जिसको लेकर के समीक्षा बैठक जारी है। करीब एक घंटे इस बैठक को हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर ये बैठक हो रही है। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। मूलतः अगर इस बैठक में बात करती हूँ तो केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, इसके अलावा हरियाणा चुनाव को लेकर के जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे अशोक गहलोत, अजय माकन, इस बैठक में मूलतः मौजूद है। हालांकि देखिए उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद हरियाणा को लेकर भी जो नेता है यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष, उदय बान भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रभारी दीपक बावरिया को भी न्योता दिया गया था, बुलाया गया था इस समीक्षा बैठक के लिए। हालांकि उनके स्वास्थ्य के कारण वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल देखिए समीक्षा बैठक चल रही है। हर एक पहलू को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर तीसरी बार कांग्रेस हरियाणा में हार का सामना करना पड़ गया था। मगर क्योंकि देखिए इस बार की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके का माहौल कांग्रेस के हिसाब से चल रहा था, एग्जिट पोल की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की हम बात करते हैं मूलतः, तो जिस तरीके का माहौल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आ रहे थे, केवल बहुमत नहीं बहुमत से भी ज्यादा यानी 70 के आसपास का आंकड़ा लेकर चल रहे थे। और साथ ही ये भी उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों को लेकर भी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। क्योंकि देखिए हरियाणा केवल आखिरी प्रदेश नहीं है, इसके बाद भी अब चुनाव होने वाले हैं, दो और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो गठबंधन की परिस्थितियों को देखकर भी यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को आखिरी समय पर जब लिस्ट आउट होने वाली थी कैंडिडेट्स की, आम आदमी पार्टी की हो जाए या कांग्रेस की हो जाए, उसे रोक दिया गया था थोड़े दिनों के लिए और डिस्कशन जारी थे, गठबंधन को लेकर के डिस्कशन जारी थे। हालांकि आखिर में हरियाणा और हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन के तहत जो चुनाव साथ में लड़ने वाले थे, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो इन पहलुओं पर भी डिस्कशन किए जाएंगे कि क्या अगर साथ में चुनाव लड़ा गया होता तो क्या कुछ चीजें रहती। क्योंकि देखिए हरियाणा के जो अगर लीडर्स की हम बात करते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, कैप्टन अजय यादव हो जाए, तमाम जितने वरिष्ठ नेता थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इन सभी चीजों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा और डिस्कशन किए जाएंगे। और जिस तरीके से कई नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हारे नहीं है, हरवाया गया है, सीधे तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर वो इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों का आकलन किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके क्या चीजें रह गई है। जो नाराजगी है कुछ नेताओं के अंदर, कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि जिस तरीके से बीच में कुमारी शैलजा मैदान से गायब सी हो गई थी, नजर नहीं आ रही थी, मैदान में नहीं आ रही थी कैंपेनिंग के लिए, जिसका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा है। कुछ लीडर्स का कहना है कि अगर कुमारी शैलजा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती तो जो हार का सामना करना पड़ा है वो नहीं करना पड़ता। इस तरह की तमाम चीजें हो रही है, तो इन सभी चीजों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिएगा। अपराजिता, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। जैसे कि अपराजिता भी जानकारी भी दे रही थी कि हरियाणा कांग्रेस के भी नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। अभी फिलहाल ये जो बैठक चल रही है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो तमाम लोग मौजूद हैं, जैसे कि राहुल गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल मीटिंग में शामिल हैं, हरियाणा चुनाव के पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत, अजय माकन भी मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि दीपक बावरिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस बैठक में अभी फिलहाल शामिल नहीं हो सके हैं।